हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर सीरीज के लेक्चर 5 में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल्स बेस्ड ऑन द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें जो हम है एडिशन ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, डिवाइडेशन ऑफ टू नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, ये सारे प्रोग्राम देखने वाले हैं। और उसके बाद जो है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल इंटरेस्ट और यूज ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये सारे प्रोग्राम आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। ओके, तो हम आ गए हैं टर्बो सी प्लस प्लस के सॉफ्टवेयर की विंडो पर। तो यहाँ पर हम जो है आज के प्रैक्टिकल सेशन में सबसे पहला प्रोग्राम जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर का कर रहे हैं, वो है एडिशन ऑफ टू नंबर। तो यहाँ कमेंट में मैं एडिशन ऑफ टू नंबर ऐसा लिख देता हूँ। उसके बाद जो है सबसे पहले हमने सिंटैक्स में देखा था, सबसे पहले जो होती है हेडर फाइल लिखनी होती है। तो हैश इंक्लूड stdio.h ये जो है पहली हेडर फाइल है, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। उसके बाद जो है हैश इंक्लूड ponio.h ये जो है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। मैंने पिछले प्रैक्टिस सेशन में जो थी ponio.h हेडर फाइल नहीं यूज की थी, इस वजह से मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो जिन किसी के भी लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर प्रॉब्लम होगा वो जो है conio.eh हेडर फाइल यूज करिए। तो उसके बाद जो है वाइड मेन फंक्शन, और यहां से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो हमें दो नंबर की एडिशन करनी है, इस वजह से हमें यूजर से दो नंबर एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। इसके लिए हमें दो वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो दो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए मैं यहाँ पर डेटा टाइप यूज करता हूँ इंटीजर। सपोज फर्स्ट वेरिएबल हमने यूज किया ए और सेकंड वेरिएबल यूज किया बी, और इसका आंसर जो है हमें थर्ड वेरिएबल में स्टोर करना है। तो इसके लिए ए एन एस, सपोज आंसर ए जो है हमने वेरिएबल यूज किया, ये जो थर्ड वेरिएबल है ये जो है एम्प्टी होना चाहिए, इस वजह से इसे मैंने जीरो का साइन कर दिया। तो उसके बाद जो है क्लियर स्क्रीन करेंगे। उसके बाद जो है प्रिंटएफ में हम यूजर को मैसेज देंगे, आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं वो डबल कोटेशन में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर स्लैश डन न्यू लाइन को जाने के लिए यूज करेंगे, एंटर एनी टू नंबर ऐसा यूजर को मैसेज देंगे। ओके, उसके बाद जो यूजर है दो नंबर इंटर करेगा, जो दो नंबर इंटर किए जाएंगे वो स्कैनएफ स्टेटमेंट से हम एक्सेप्ट करेंगे। अब जो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप हमने यूज किया है तो उसके लिए एक्सेसिंग कैरेक्टर आता है परसेंट डी। तो यहाँ पर दो नंबर एक्सेप्ट करने, इस वजह से हमें दो बार परसेंट डी लिख रहा हूं। उसके बाद जो फर्स्ट नंबर है वो जो है ए के एड्रेस को स्टोर होना चाहिए, और जो सेकंड नंबर है वो बी के एड्रेस को स्टोर होना चाहिए। उसके बाद जो है सेमीकोलन, उसके बाद जो है हमें प्रोसेस करनी है। तो जो हमारा आंसर है वो ans वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए, उसके बाद इक्वल टू साइन a प्लस b, क्योंकि हमें एडिशन करनी है इस वजह से हम प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ans इज इक्वल टू a प्लस b। जनरली हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू आंसर। बट सी प्रोग्रामिंग में जिस वेरिएबल में आपको वैल्यू स्टोर करनी है वो पहले लिखा जाता है, इस वजह से मैंने ans वेरिएबल पहला लिखा है इज इक्वल टू a प्लस बी। जो a प्लस बी का आंसर आएगा वो ans वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब ये जो आंसर है हमें यूजर को डिस्प्ले करना है, तो प्रिंटएफ फंक्शन लिखेंगे फिर से। अब इस प्रिंटएफ फंक्शन में हम यूजर को जो आंसर आएगा वो डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो स्लैश n एडिशन ऑफ टू नंबर, नंबर इज इक्वल टू आंसर जो है परसेंट डी एक्सेसिंग कैरेक्टर है, क्योंकि इसके लिए भी हमने इंटीजर डेटा टाइप यूज किया है, और ans वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। उसके बाद जो है गेट सी एच फंक्शन लिखेंगे, जो हमारे आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा, और उसके बाद जो है क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट।
अब सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोग्राम सेव करना है। इसके लिए हम फाइल मेनू में जाएंगे और सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो C++ का है, इसलिए इसे बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन आता है CPP। तो यहाँ पर आप प्रोग्राम को कोई भी नाम दे दीजिए। मैंने यहाँ पर नाम दिया है addition.c, एक्सटेंशन लिखना पड़ता है .c। तो ये प्रोग्राम जो है हमने सेव कर दिया है। मेरे लैपटॉप में पहले से ये नाम का प्रोग्राम था, इसलिए ये वो राइट करने को बोल रहा। उसके बाद जाएंगे हम कंपाइल मेनू में और हमारा प्रोग्राम कंपाइल करेंगे। जो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है तो यहाँ पर कोई भी वार्निंग या एरर शो नहीं कर रहा है। उसके बाद हम जो है प्रोग्राम रन करेंगे। तो रन करने के बाद जो है यहाँ पर मैसेज दिखाई दे रहा है, एंटर एनी टू नंबर। आप कोई भी दो नंबर एंटर कीजिए। अब मैं पहला नंबर एंटर कर रहा हूँ 10। उसके बाद जो है स्पेस देकर या फिर एंटर की प्रेस कर आप दूसरा नंबर एंटर कर सकते हैं। और दूसरा नंबर जो है मैं एंटर कर रहा हूँ 20। ओके, जो ए वेरिएबल है उसमें 10 नंबर जाएगा और जो बी वेरिएबल है उसमें 20 नंबर जाएगा। और उसके बाद मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर आउटपुट दिखा रहा है एडिशन ऑफ टू नंबर इज 30। ओके, तो इस तरीके से आप जो है कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करके प्रोग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने एडिशन का प्रोग्राम किया। इसी तरीके से आप जो है दो नंबर का सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो ऑपरेटर है चेंज कर दीजिए, ए माइनस बी लिख दीजिए। मैं इसी प्रोग्राम में आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर मैसेज जो है सब्सट्रैक्शन लिख दीजिए। मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ, सिर्फ सब लिखता हूँ। फिर से प्रोग्राम हम कंपाइल करके देखेंगे, कोई भी एरर नहीं शो कर रहा है। प्रोग्राम को रन करेंगे, दो नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है। सपोज मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया 50, उसके बाद जो है एंटर की प्रेस की और सेकंड नंबर एंटर किया 10। जो 50 नंबर से 10 नंबर जो है सब्सट्रैक्ट होकर हमें आंसर दिखाई दे रहा है, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज 40। उसके बाद जो है आप जो है सब्सट्रैक्शन के अलावा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का यूज कीजिए। और जो आउटपुट की स्क्रीन पर जो हमें मैसेज डिस्प्ले होने वाला है उसमें चेंज कर दीजिए। मैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन लिख रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इज। फिर से हम प्रोग्राम को कंपाइल कर देते हैं और उसके बाद फिर से हम रन करेंगे। तो ये जो है हमें, हमने पहला नंबर एंटर किया सपोज 10 और जो दूसरा नंबर है हमने एंटर किया 5। तो 10 × 5 आंसर आएगा 50। उसके बाद जो हमने ऑपरेटर देखा था डिवाइडेशन, आप दो नंबर को डिवाइड भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है डिवाइडेशन ऑपरेटर का यूज कीजिए। यहाँ पर मैं डिवाइडेशन ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, ए डिवाइडेड बाय बी। और ये जो आउटपुट की स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाला मैसेज है ये जो है चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं डिवाइडेशन लिख रहा हूँ, फिर से प्रोग्राम कंपाइल करना पड़ेगा। अब बार बार प्रोग्राम जो है कंपाइल क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमने प्रोग्राम में जो भी चेंजेस किए हैं उसका जो है मशीन कोड जनरेट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें बार बार प्रोग्राम कंपाइल करना पड़ता है। उसके बाद रन करेंगे। अब जो है फर्स्ट नंबर हम लेते हैं 10 और सेकंड नंबर लेते हैं 2। तो 10 / 2 जो है डिवाइडेशन का आंसर आ गया है 5। इस तरीके से आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करके प्रोग्राम लिख सकते हैं। और एक और ऑपरेटर हमने देखा था, वो था मॉड्यूलेशन ऑपरेटर, मॉड बाय ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है a mod by 2। तो मॉड्यूलेशन ऑपरेटर क्या करता है, तो मॉड्यूलेशन ऑपरेटर जो है रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मॉड्यूलेशन ऑपरेटर का यूज किया है। फिर से प्रोग्राम कंपाइल करेंगे। ओके, उसके बाद फिर से रन करके देखेंगे। मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर ले रहा हूँ 15 और जो सेकंड नंबर है ले रहा हूँ 2। तो 15 / 2 हो जाएगा और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो है 1। तो यहाँ पर मॉड्यूलेशन ऑपरेटर जो है रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन डिस्प्ले कर रहा है। इस तरीके से आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करके प्रोग्राम एक रन कर सकते हैं। आप जो हमने यहाँ पर देखे सिर्फ दो ही नंबर लिए हैं, आपको जो है क्वेश्चन में
इससे अलग भी पूछा जा सकता है आपको, दो के अलावा 3 नंबर का, 4 नंबर का, ऐसा भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जितने नंबर के आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन करने को कहा जाएगा उतने आपको वेरिएबल लेने पड़ेंगे और उस तरीके से आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे जो मैथमेटिक्स में फॉर्मूले हमने 10th क्लास से पहले देखे थे उन फॉर्मूले पर बेस भी हमें प्रोग्राम पूछे जाते हैं। सपोज यहाँ पर मैं पहले न्यू विंडो लेता हूँ। सपोज हमें प्रोग्राम राइट करना है एरिया ऑफ सर्कल, मैं यहाँ कमेंट में पहले लिख देता हूँ एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले क्या है, हमें जो प्रोग्राम लिखना है उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर। तो पाई जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो है 3.14 होती है, और जो आर है वो है रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये दोनों जो वैल्यूज है ये इनमें डेसिमल पॉइंट आ सकता है। ओके, तो इस वजह से हमें जो वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे वो इंटीजर टाइप के नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो है डेसिमल पॉइंट आता है। तो इस वजह से हम जो एरिया ऑफ सर्कल हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फ्लोट डेटा टाइप में। उसके लिए जो है हमने फ्लोट डेटा टाइप यूज किया है। तो फ्लोट हमें सबसे पहला जो है पाई वेरिएबल लेना है, तो इसके लिए हमने PI वेरिएबल लिया है जिनकी वैल्यू जो है हमने 3.14, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही है, इस वजह से हम यूजर से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस वजह से मैंने डायरेक्टली यहाँ पर पाई को वैल्यू असाइन कर दी है 3.14। उसके बाद जो है हमें यूजर से रेडियस एक्सेप्ट करनी है, उसके लिए हमने वेरिएबल लिया आर, और जो एरिया फाइंड आउट करेंगे उसे स्टोर करने के लिए हमने वेरिएबल लिया एरिया। इस वेरिएबल में हमें आंसर स्टोर करना है, इस वजह से ये एम्प्टी होना चाहिए, इसमें कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इस वजह से इसे हमने 0 को असाइन कर दिया है। उसके बाद जो है क्लियर स्क्रीन, ओके, उसके बाद जो है प्रिंटएफ में हम यूजर को मैसेज लिखेंगे। अभी यहाँ पर हमें यूजर से जो है रेडियस एक्सेप्ट करनी है, इस वजह से हमने यहाँ पर मैसेज लिखा है एंटर द रेडियस। ओके, ये मैसेज पढ़कर यूजर जो है रेडियस इंटर करेगा। जो भी रेडियस इंटर की जाएगी वो स्कैनएफ स्टेटमेंट में हम एक्सेप्ट करेंगे। अब जो है हमने फ्लोट डेटा टाइप यूज किया है, जो रेडियस हमें मिलेगी वो फ्लोटिंग वैल्यू होगी, इस वजह से यहाँ पर एक्सेसिंग कैरेक्टर जो है फ्लोट डेटा टाइप के लिए %f है, और ये जो वैल्यू है हमें स्टोर करनी है एड्रेस ऑफ आर जो हमने इसके लिए वेरिएबल दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो हमें जो आंसर है आंसर स्टोर करने के लिए हमने वेरिएबल लिया है एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, ये जो फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हम आर स्क्वेयर ऐसा नहीं लिख सकते, आर स्क्वेयर का मीनिंग है आर मल्टीप्लाई बाय आर। तो यहां पर मैं पाई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर, तो ऐसा लिख दिया है। अब क्या है कि हमने फॉर्मूले में देखा कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले क्या होना चाहिए, आर मल्टीप्लाई बाय आर होना चाहिए, और जो आंसर आएगा वो है मल्टीप्लाई होना चाहिए पाई की वैल्यू के साथ। तो यहां पर मैंने आर मल्टीप्लाई बाय आर ब्रैकेट में लिख दिया है। आप जो है मैथमेटिक्स का रूल जानते हैं, मैथमेटिक्स का जो रूल है उसे कहा जाता है बोडमैन, मींस सबसे पहले जो है ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद जो है ऑप्शनल कैरेक्टर, उसके बाद जो है डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये जो है रूल है। इस हिसाब से सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है, इस वजह से मैंने आर मल्टीप्लाई बाय आर जो है ब्रैकेट में लिखा है। तो क्या होगा, सबसे पहले r मल्टीप्लाई बाय r होगा, और जो आंसर आएगा वो पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो एरिया वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जो है हमें जो आंसर आएगा वो हमें यूजर को डिस्प्ले करना है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रिंटेड फंक्शन में यूजर को मैसेज देना है एरिया ऑफ सर्कल
इज इक्वल टू जो एरिया वेरिएबल में वो भी फ्लोट डेटा टाइप में है, इस वजह से परसेंट ये एक्सेसिंग कैरेक्टर, और जो हमारा आंसर है वो एरिया वेरिएबल में है, इस वजह से एरिया वेरिएबल। उसके बाद जो है गेट सी एच फंक्शन लिखेंगे हम आउटपुट की स्क्रीन होल्ड करने के लिए, उसके बाद क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। फिर से ये प्रोग्राम है जो पहले हम सेव करेंगे। सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, इस वजह से मैं सी एरिया नाम देता हूं उसे। ओके, ये फाइल जो है सेव हो गई। उसके बाद जो है हम कंपाइल करके देखेंगे तो कोई भी वार्निंग या एरर शो नहीं कर रहा है। उसके बाद जो है हम इसे रन करके देखेंगे तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है एंटर द रेडियस। सपोज यूजर ने जो है 2.5 रेडियस एंटर कर दी। ओके, तो उसके बाद जो है हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करके दे रहा है, इसका आंसर आ गया है 19.62। तो इस तरीके से आप जो है एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अदर भी प्रोग्राम पूछे जा सकते हैं। सपोज आपको पूछा जा सकता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको जो भी प्रोग्राम पूछा जाएगा उसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो यही इसी प्रोग्राम में मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम जो है कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो प्रोग्राम है उसका फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रिथ, जो हमें दो वैल्यूज एक्सेप्ट करनी है। तो लेंथ और ब्रिथ दोनों वैल्यू जो है हम यूजर से एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो हम उसके लिए दो वेरिएबल लेंगे। सपोज लेंथ एक्सेप्ट करने के लिए मैंने एल वेरिएबल लिया, और जो ब्रिथ है वो एक्सेप्ट करने के लिए मैंने बी वेरिएबल लिया। ओके, और जो आंसर है वो स्टोर करने के लिए मैंने एरिया वेरिएबल ही लिया है। उसके बाद जो है हम यूजर को मैसेज देंगे एंटर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल। मैसेज जो है प्रॉपर होने चाहिए। ये मैसेज पढ़ने के बाद जो यूजर है वो दो वैल्यूज इंटर करेगा, लेंथ और ब्रीथ की। यहां पर हमने फ्लोट डेटा टाइप लिया है तो स्कैनएफ स्टेटमेंट में दो वैल्यूज आएगी, इसलिए हमें यहाँ पर दो बार परसेंट या एक्सेसिंग कैरेक्टर, जो फर्स्ट वैल्यू है वो स्टोर करनी है हमें एल वेरिएबल में, और जो सेकंड वैल्यू आएगी उसे स्टोर करना है बी वेरिएबल में। तो यहाँ पर मैंने दोनों वैल्यू स्टोर कर दी। इसके बाद जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वो है लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल फॉर्मूला है एल इंटू बी, हमने यहाँ पर वेरिएबल लिए हैं। और जो आउटपुट की स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट होगा तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल की जगह पर हम जो है रेक्टेंगल की फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं रेक्टेंगल लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फिर से हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। ओके, उसके बाद जो है रन कर कर देखेंगे तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है एंटर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पर मैं जो है लेंथ इंटर कर रहा हूँ 5.5, और जो ब्रीथ है वो स्पेस देकर इंटर कर रहा हूँ सपोज 6.8। उसके बाद जो है आंसर कैलकुलेट होकर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का दिखाई देगा। इस तरीके से आप जो है एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एरिया ऑफ सर्कल पूछा जा सकता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको इसके सिर्फ फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, जो फॉर्मूले में वैल्यू होगी वो यूजर से एक्सेप्ट करनी है, और वो फॉर्मूला लिख के आपको आंसर जो है कैलकुलेट करके यूजर को फिर से डिस्प्ले कर देना है। तो ये हो गए एरिया फाइंड आउट करने के, और मैथमेटिकल जो फॉर्मूलेस होते हैं वो अपने सी प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं ये मालूम करने के लिए। उसके बाद जो है हम दूसरे मैथमेटिकल फॉर्मूले देखेंगे जो जनरली हमें कॉमर्स स्ट्रीम में आते हैं। वो है सपोज हमें फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट। क्या फाइंड आउट करना है हमें? सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो मालूम होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन आर डिवाइडेड बाय 100। पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी फॉर टाइम। ओके, जो जनरली मंथ या ईयर में होता है। तो
ये प्रोग्राम आप हम देखेंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या वेरिएबल लगेंगे, अब जो इसका आंसर जो है वो जो है होल नंबर नहीं आ सकता है। ओके, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डेसिमल पॉइंट में वैल्यूज आ सकती है, तो इस वजह से हम जो है फ्लोट डेटा टाइप यूज करेंगे। तो फ्लोट डेटा टाइप में सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें प्रिंसिपल अमाउंट लेनी पड़ेगी, उसके लिए हमने पी वेरिएबल यूज किया है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, उसके लिए हमने आर वेरिएबल यूज किया है। और उसके बाद जो है टाइम, हमें टाइम ऑफ पीरियड यूज करना है, तो इसके लिए हमने टी वेरिएबल लिया है। और जो सिंपल इंटरेस्ट का आंसर आएगा वो सपोज हमने एसआई वेरिएबल लिया है जिसमें हम स्टोर करेंगे, ये जो वेरिएबल है हमें एम्प्टी चाहिए, इस वजह से हमने इसे 0 का साइन कर दिया। उसके बाद जो है क्लियर स्क्रीन करेंगे और यहाँ पर प्रिंटएफ में हम यूजर को मैसेज देंगे, प्रिंटएफ डबल कोटेशन में मैसेज लिखेंगे, स्लैशन एंटर द, सपोज मैं यहां पर शॉर्टकट यूज कर रहा हूं पी अमाउंट। ओके, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, आपका जो टाइम है बर्बाद नहीं होना चाहिए इस वजह से। उसके बाद जो है एनएफ स्टेटमेंट में जो वैल्यू इंसर्ट की जाएगी उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, जो पी अमाउंट की वैल्यू है वो सपोज फ्लोट डेटा टाइप, हमें सभी के लिए फ्लोट ही डेटा टाइप रखा है, इस वजह से परसेंट ईएफ एक्सेसिंग कैरेक्टर, और ये स्टोर होगी एड्रेस ऑफ पी। ओके, उसके बाद फिर से हमें यूजर को मैसेज देना पड़ेगा, प्रिंट एफ स्लैशन एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, मैसेज पढ़ने के बाद यूजर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटर करेगा, वो जो है हम स्कैनएफ स्टेटमेंट में एक्सेप्ट करेंगे, इसका भी एक्सेसिंग कैरेक्टर क्या आएगा, परसेंट यफ, और ये जो है एड्रेस ऑफ आर में हम स्टोर कर देंगे। उसके बाद जो है प्रिंटएफ यूजर को फिर मैसेज देंगे हम, अब हमें जो है टाइम ऑफ पीरियड एक्सेप्ट करना है, तो हमें मैसेज न्यू लाइन को चाहिए, इसलिए स्लेशन यूजर को मैसेज देंगे एंटर द टाइम ऑफ पीरियड। ओके, उसके बाद जो है यूजर वैल्यू इंसर्ट करेगा, वो स्कैनएफ स्टेटमेंट में हम एक्सेप्ट करेंगे, और इसके लिए भी एक्सेसिंग कैरेक्टर जो है परसेंट या ऑफ कहाँ पर स्टोर करेंगे, एड्रेस ऑफ ई में हम ई या टी में हम स्टोर करेंगे। उसके बाद जो है हमें सब वैल्यूज मिल गई, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम ऑफ पीरियड। तो अब जो हम फॉर्मूला लिखेंगे, एस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय 100। अब हमने मैथमेटिक्स का रूल आपको इससे पहले ही बताया था कि हमें क्या करना है, पी एन और आर इनका मल्टीप्लीकेशन, सॉरी आर नहीं, हमने क्या वेरिएबल लिया है, टी लिया है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो इनके जो है मल्टीप्लीकेशन पहले होना चाहिए और उसके बाद जो है ये 100 से डिवाइड होनी चाहिए। तो इस वजह से हमने क्या किया, टी एन और टी ये जो वैल्यूज है इन्हें ब्रैकेट में डाल दिया और उसके बाद डिवाइडेड बाय 100 लिखा। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो एस आई वेरिएबल में हमारे स्टोर हो गए होगा। अब इसे हमें यूजर को डिस्प्ले करना है, तो इसलिए हमने प्रिंटएफ फंक्शन में यूजर को मैसेज देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, जो आंसर आएगा वो फ्लोट डेटा टाइप में है, इस वजह से परसेंट एफ ऑफ हमारी वैल्यू जो है एसआई वेरिएबल में है, सॉरी। उसके बाद जो है हमें गेट सीएच लिखना पड़ेगा,
ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम। अब सबसे पहले हम इसे सेव करते हैं। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है, इस वजह से हमने एसआई नाम रखा है इसका, si.c। ओके, सेव हो गई ये फाइल। उसके बाद हम कंपाइल करके देखते हैं। तो कंपाइल करने के बाद हमें जो है वन एरर शो कर रहा है। तो हम एरर क्या है वो देखते हैं। ये बता रहा है अनडिफाइंड सिंबॉल एन। ओके, तो हमने जो है इसके लिए आर सिंबल यूज किया है और हमने यहाँ पर एन लिख दिया है गलती से, तो यहाँ पर हम लिखते हैं आर। ओके, हमने एरर जो है हमारे वीडियो से एडिट नहीं किए है, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इस वजह से हमने वैसे ही रखा है। तो फिर से कंपाइल करते देखते हैं, यहाँ पर कोई भी एरर या वार्निंग नहीं शो कर रहा है। उसके बाद हम इसे रन करेंगे, तो पहले बता रहा है एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। सपोज मैंने यहाँ पर अमाउंट ली है 5000। उसके बाद बता रहा है एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5, और उसके बाद बता रहा है टाइम ऑफ पीरियड कितने। तो सपोज मैंने 4 ईयर्स के लिए इसे बता दिया। तो उसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमारे सामने आ गए हैं। ओके, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट है 1500 रुपीज। तो इस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट भी मैथमेटिकल फॉर्मूला के बेस भी पर ही है, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है कि हमें सबसे पहले कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो ब्रैकेट में डालने पड़ते हैं, और जो बाद में होने चाहिए वो ब्रैकेट के बाहर रखने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप मैथमेटिकल फॉर्मूलेस पर बेस सी प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमने इसके अलावा भी दो ऑपरेटर देखे थे, वो थे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैं आपको उनका कैसा यूज किया जाता है वो बताता हूँ। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है जनरली आपको ट्रेस द आउटपुट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें पूछे जाते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है ए, उसका डेटा टाइप है इंटीजर। सपोज एक वेरिएबल लिया है ए जिसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी है सपोज 5। ओके ओके, तो ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट, जिसमें सबसे पहले ऑपरेंड आता है और उसके बाद जो है ऑपरेटर आता है, तो उसे पोस्ट इंक्रीमेंट कहा जाता है। और नेक्स्ट लाइन को मैं जो है प्रिंटफ, आपको प्री इंक्रीमेंट कैसा होता है वो बताता हूं। स्टेशन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंट डी ऑफ कॉमा प्लस प्लस ए। ये जो है पहले ऑपरेंड आ गए हैं और उसके बाद जो है सॉरी पहले जो है ऑपरेटर आ गए हैं और उसके बाद जो है ऑपरेंड आ गए हैं, तो उसे प्रीफिक्स ऑपरेटर कहा जाता है। तो यहां पर मैं प्रोग्राम क्लोज कर देता हूं। अब जो है प्रोग्राम हम पहले सेव करेंगे। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है। ओके, फिर से हम प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं। ओके, तो कंपाइल हो गया है, अब हम रन करके देखेंगे। तो देखिए हमने पहले ए की वैल्यू जो ली थी 5 ली थी, तो 5 प्रिंट कर रहा है। जो नेक्स्ट लाइन को हमने लिखा था वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस प्लस लिखा था, तो पहले ए ऑपरेटर आता है और उसके बाद जो है प्लस प्लस साइन आते हैं, इस वजह से पहले ए जो में वैल्यू है ए वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो पहले प्रिंट होगी और उसके बाद जो है उसका एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन को मैंने सिर्फ ए की वैल्यू प्रिंट की थी, तो अब हमें यहाँ पर वो 6 बता रहा है। और जो लास्ट लाइन है यहाँ पर मैंने वैल्यू ऑफ ए प्लस प्लस ए लिखा था, तो वैल्यू ऑफ ए जो थी 6 थी, तो पहले इसमें इंक्रीमेंट हो गई और फिर हमें डिस्प्ले कर रहा है। तो आपको मालूम पड़ गया होगा जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं तो वैल्यू जो है पहले स्टोर हो जाती है, डिस्प्ले हो जाती है, और उसके बाद जो है इंक्रीज हो जाती है। जब आप नेक्स्ट लाइन को उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे तभी आपको उसकी वैल्यू जो है एक से इंक्रीमेंट हुई हुई प्रिंट होगी। अगर आप जो है प्री इंक्रीमेंट प्रिंट करते हैं तो आपकी वैल्यू पहले ही इंक्रीज हो जाती है और उसके बाद वेरिएबल में स्टोर हो जाती है, इस वजह से उसी लाइन को आपको उसी उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज हुई मिलेगी। सेम इसी तरीके से आप जो है
डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी यूज कर देख सकते हैं। मैं इसी प्रोग्राम में आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके बता देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर ए माइनस माइनस लिखा है और यहाँ पर मैं जो है माइनस माइनस के लिखा। ओके, तो फिर से हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए 5 बता रहा है। नेक्स्ट लाइन को हमने लिखा था ए माइनस माइनस, तो यहाँ पर वैल्यू ए की 5 बता रहा है। और जब नेक्स्ट लाइन को जाया गया है कर्सर, तब अब ए की वैल्यू 4 बता रहा है। और लास्ट लाइन को हमने लिखा था माइनस माइनस ए, तो पहले ही ए की वैल्यू जो है 1 से डिक्रीज हो गई और डिस्प्ले हो गई 3। तो इस तरीके से प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट होते हैं। आपको जो है ट्रेस द आउटपुट के टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पूछे जाते हैं। तब आपको याद रखना है, अगर पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ तो आपकी वैल्यू जो है नेक्स्ट लाइन को चेंज होगी, उसी लाइन में चेंज नहीं होगी। और अगर आप जो है प्री इंक्रीमेंट टाइप का ऑपरेटर है, तो उसी लाइन में आपकी वैल्यू जो है आइदर इंक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी। ये जो हुए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।